हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए 50 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 1.5% के करीब की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में अराउंड 1% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है, परंतु एक महीने में इस स्टॉक में 4.5% के करीब की तेजी देखने को मिली है, परंतु 3 महीने में देखें तो इस स्टॉक में 22%, 6 महीने में 19%, 1 साल में 34%, 2 साल में 37% और 5 साल में 92% की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस स्टॉक में लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जहां पर अब 1 महीने से इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहेगा, जहां पर काफी निवेशकों को एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहेगा। अगर हम इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 158 रुपीस। 158 रुपीस के इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया। ऊपरी लेवल पर देखें तो इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब इस स्टॉक में फ्रेश सपोर्ट लेवल जो स्टॉक को बनता हुआ नजर आया अराउंड 92 रुपीस। 92 रुपीस का इस स्टॉक में इस पॉइंट पर एक लो बनता हुआ नजर आया। अब यहीं से इस स्टॉक में अब एक मोमेंटम देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 95 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 135 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 101 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 110 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।